अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? इस क्वेश्चन में हमें एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं उनका सम निकालना है और बताना है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है तो उसका सम भी इतना ही आएगा जितना कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लिया है ए बी सी डी, फिर मैंने इस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल बनाई है ए सी। अब हमें दिख रहा है कि ए सी की वजह से क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो ट्रायंगल्स बन गए हैं। अब हम क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल्स हैं वो लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब हमें दिख रहा है कि एंगल ए पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल वन और एंगल सिक्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल वन प्लस एंगल सिक्स। फिर बी पे एक एंगल बन रहा है फाइव, फिर हम यहाँ फाइव लिख देंगे। उसके बाद एंगल सी पे दो एंगल्स बन रहे हैं फोर और थ्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फोर प्लस थ्री। उसके बाद डी पे एक एंगल बन रहा है टू, तो हम यहाँ पे टू लिख देंगे। फिर उसके बाद हमें दिख रहा है कि एक ट्रायंगल में एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री साथ में हैं, तो हम इनको ब्रैकेट में लिख लेंगे एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री। और दूसरे ट्रायंगल में फोर फाइव सिक्स एंगल्स साथ में हैं, तो हम इनको ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद अब हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहती है कि जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल वन एंगल टू और एंगल थ्री का सम हो गया 180 डिग्री, तो हमने यहाँ पे 180 डिग्री लिख दिया है। और एंगल फोर एंगल फाइव और एंगल सिक्स का सम हो गया 180 डिग्री, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद हम 180 डिग्री और 180 डिग्री को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री आया है, इसका मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल के जितने एंगल्स होते हैं, चार एंगल्स होते हैं, उनका सम होता है 360 डिग्री। अब हम क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पर आते हैं। अब हमें देखना है कि एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सम के बराबर है कि नहीं। मैंने यहाँ पे एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लिया है ए बी सी डी, और उस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल बनाई है बी डी, और हमने देखा कि बी डी की वजह से इसमें दो ट्रायंगल्स बन गए हैं। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रायंगल की। जो पहला वाला ट्रायंगल है इसमें तीन एंगल्स हैं, तो मैंने एक साइड में तीन एंगल्स लिख लिए हैं, वन टू थ्री को ब्रैकेट में लिख लिया है, और सेकेंड वाले ट्रायंगल के एंगल्स को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है फोर फाइव और सिक्स को। जो पहला वाला ट्रायंगल का आ रहा है वन टू थ्री का सम आ रहा है 180 डिग्री, और सेकेंड वाले का आ रहा है 180 डिग्री, तो दोनों का 180 डिग्री आ रहा है। फिर हम 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री करेंगे जो कि आ रहा है 360 डिग्री। इसका मतलब कि चाहे वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो या फिर नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो, दोनों का सम आता है 360 डिग्री।